ने MORD नोटिफिकेशन 15/2023 के तहत 3 प्रोजेक्ट्स एलोकेट हुए हैं RSWM 1, 2 एंड LNG स्किल्स के नाम से। टोटल मिला के तीनों प्रोजेक्ट्स को मिला के 1685 का हमारा टारगेट है। हमने उस प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप किया है, जो ये ट्रेनिंग फैसिलिटी पे मैं अवेलेबल हूँ। ये ट्रेनिंग फैसिलिटी हमारा 210 और 175 दो DCs हमने यहाँ बनाए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 385 है 11 बैचेस की। हम यहाँ पर फीमेल ओरिएंटेड ट्रेड रन कर रहे हैं, सारी बच्चियाँ ही यहाँ ट्रेनिंग लेंगी। हमारा जो ट्रेड है दैट इज़ SMO 3.0। हमने पहले भी 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्लोज किए हैं, बींग LNJ भीलवाड़ा ग्रुप, जिसमें हमने करीबन 2255 कैंडिडेट ट्रेन किए हैं, 1650 से ज़्यादा बच्चों को प्लेस किया है और सोसाइटी बिल्डअप में काम किया है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत RSWM 1, 2 LNJ स्किल्स में हमने मेजर जिले कवर किए हैं, वो हैं शिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, बैतूल, और हर एरिया से हमने कोशिश किया है हर तरीके के बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने का। OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी बच्चा, ST/SC बच्चा, सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि वो इस गवर्नमेंट के स्कीम के तहत बेनिफिट ले सके, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को चुन सके। जिसके तहत अगर हम बात करें ट्रेनिंग जो हमने रखा है, जैसे मैंने अभी शेयर किया, शिवनी हुआ, आदिवासी जिले में आपका बैतूल हुआ, जहाँ बहुत सारा बच्चा आया आदिवासी से, स्पेशली बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं हमारे पास, ऐसी सक्सेस स्टोरीज निकल के आई जिन्होंने अपनी लाइवलीहुड से अपने परिवार को सपोर्ट किया, एंड हम बहुत खुश हैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन से सोसाइटी के, जिससे हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, हर समुदाय को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके और हर एक कैटेगरी का बच्चे इस स्कीम के तहत फ़ायदा ले सके। इन कंपनियों के तहत जो अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेसमेंट्स हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे हैं, जिसके तहत अगर हम बात करें आदित्य बिरला, गोकुलदास, शाही एक्सपोर्ट, JJ मिल्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जहां बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लेसमेंट्स मिलता है और बच्चे को रहना खाना पीना सब वहां पर उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बच्चे की रिटेंशन अच्छी तरीके से हो सके। जो 1650 बच्चे हमने प्लेस किए हैं अगेंस्ट 2255 ट्रेंड कैंडिडेट, हम वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक सोसाइटी बिल्डअप में बड़ा अच्छा काम किया। धन्यवाद। बात आती है मोबिलाइजेशन के लिए, जब हम मोबिलाइजेशन के लिए अपने फील्ड स्तर पे जाते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे, तो हमारे मिशन की जो महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे संकुल स्तरीय संगठन और ग्राम संगठन, तो ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन को भी हम अपने मोबिलाइजेशन में शामिल करते हैं, यथा हमारी कौशल सखियाँ जो होती हैं, कौशल सखी भी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो मोबिलाइजेशन का हम पूरा एक कैलेंडर तैयार करते हैं कि किस जनपद में हम किस तारीख से किस तारीख तक कैलेंडर मोबिलाइजेशन कैंप रखेंगे। अभी रिसेंटली हम बात करें RSWM जो हमारे ज़िले को PIA आवंटित हुआ है, तो हमने 6 ब्लॉक स्तर पे कैंप रखे थे, 6 कैंप में भी हमारे 100 बच्चे मोबिलाइज हो गए हैं और जो अभी हमारे सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम आस्था पांडे है, मैं RSWM में एज अ क्वालिटी वर्क करती हूँ। मेरा इस प्रोजेक्ट में जो वर्क प्रोफाइल है वो एज अ क्वालिटी है और मेरा काम ये होता है कि मैं इन बच्चों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को पूरा एंश्योर करूँ, मोबिलाइजेशन से लेकर इनकी प्लेसमेंट तक का जो पूरा वर्क होता है उसको मॉनिटर करना मेरा काम है, ताकि इन बच्चों को यहाँ रहने ट्रेनिंग लेने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे बच्चों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्टल सुविधा है वो उनको प्रॉपर मिले, खाने के लिए पौष्टिक आहार मिले, इनका जो ट्रेनिंग है, क्लासेस हैं, उसका
क्लास टाइमिंग जो है वो प्रॉपर एस पर ACLP DDUGKY के SOP के नॉर्म्स में फॉलो की जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ये काम मेरा है। तथा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं तो प्लेसमेंट के दौरान इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनकी जॉब लगानी चाहिए, वो लग रही है या नहीं लग रही है, या उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ये काम मेरा है कि मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँ और इसको इसके फ्लो को एक स्मूथ फ्लो में लेके जाऊँ। मेरा नाम मंजू है, मैं यहाँ पर SMO डोमेन ट्रेनर हूँ RSWM में। यहाँ पर हम बच्चों को ये सिखाते हैं, जैसे बच्चे आते हैं स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस में हम सिखाएंगे, यहाँ पर स्टिचिंग कैसे होती है, यहाँ पर कटिंग कैसे होती है, यहाँ पर मशीन के पार्ट्स के बारे में, मशीन के टूल्स के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे, उनका मशीन का रख रखाव कैसा होता है, साफ़ सफाई कैसे करनी है, क्या कटिंग में हम इसमें शर्ट हो गया आपका, शूट हो गया, ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे, यहाँ पर हम पैंट की कटिंग सिखाएंगे और बच्चों को मेजरमेंट कैसा होता है, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो चीज़ें सिखाएंगे। मैं जॉब करना चाहती हूँ सिलाई की, पापा नहीं है, मेरी मम्मी बहुत मेरे लिए बहुत कुछ करती है, मैं जो सिलाई सीख कर मैं जॉब करूँगी, पैसे कमाऊँगी, तो मैं मेरी मम्मी की हेल्प करूँगी इसमें। मैं जिला बैतूल से हूँ, मेरे पापा किसानी करते हैं, मम्मी उसमें आग बटाती है और मैं यहाँ पर कंप्यूटर और सिलाई सीखने आई हूँ। शुरू होने से हम लड़कियों को बाहर निकलने और रोजगार करने में सहायता मिलेगी।